कैराना मामले की जांच कर रहे प्रशासनिक दल के राजीव वर्मा ने आईबीएन 7 से कहा कि बीजेपी सांसद हुकुम सिंह द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के 150 लोगों का सत्यापन किया गया, जिसमें से लगभग 60% यानी 90 लोगों ने या उनके पड़ोसियों ने कहा कि रंगदारी की दहशत की वजह से उन लोगों ने पलायन किया है, जबकि 40% यानी 60 परिवार निजी कार्यों से बाहर गए हैं। जांच के लिए 4 टीमें जिला प्रशासन ने बनाई थी। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर इसी खबर में विस्तार के लिए जुड़ रहे हैं। अरुण, ये सत्यापन जो हुआ है जिसमें ये बात कहा गया कि वो निजी कारणों की बात बार आ रही है, लेकिन एक तरफ ये हुकुम देव जो है, जो एमपी हैं, वो ये कह रहे हैं कि कहीं पे रंगदारी का, कहीं पे दहशत का मसला है, तो आप वहां पे पिछले 3-4 दिनों से मौजूद हैं, सरकार का जो जो प्रशासनिक महकमा है उसने क्या कुछ फाइंड आउट किया है इस पूरे? देखिए, अभी जिला प्रशासन की तरफ से 4 टीमें बनाई गई थी, 346 लोगों की जो सूची दी थी हुकुम सिंह ने उसके सत्यापन के लिए, और जो 4 टीमों ने अब तक सत्यापन किया है, लगभग 150 परिवारों का सत्यापन उन्होंने किया है। और जांच अधिकारी से जब हम लोगों ने पूछा है तो उन्होंने कहा है कि 60% के आसपास लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना घर छोड़ा है, और 40% ऐसे लोग हैं जिनके बारे में सूचना सही नहीं मिली है। जब ये पूछा गया कि उन 60% लोगों में से कितने परसेंट लोगों ने दहशत या डर की वजह से छोड़ा है और कितने लोगों ने निजी कार्यों की वजह से छोड़ा है, तो उन्होंने कहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुनने में आया है और जो पड़ोसियों ने बताया, क्योंकि वो यहाँ अब है नहीं, उनके पड़ोसियों ने बताया कि रंगदारी या फिर दहशत की वजह से छोड़ा है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने निजी काम की वजह से या कहीं दूसरी जगह नौकरी करते हैं इसकी वजह से वो लोग चले गए यहाँ से। अरुण, एक बहुत छोटा सा सवाल, जो छोड़े हुए लोग हैं उसमें ये क्या पता चला कि कितने प्रतिशत हिंदू और कितने प्रतिशत मुसलमान है, ये भी क्या, क्योंकि तमाम चुनावी मुद्दा भी बन रहा है, तो इसमें ये भी एक बात कि कितने हिंदू और कितने मुसलमान, इसका भी कुछ बात चीज आई? हमारे सहयोगी से फोन लाइन पे बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन हम कोशिश करेंगे एक बार फिर बातचीत के सिलसिले को जोड़े।